नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और आपको बता देना चाहता हूं कि करनाल के सिरसी गांव में 22 वर्षीय विवाहिता कांता नामक लड़की की लाश नहर से बरामद की गई है। मौत किन कारणों से हुई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कांता के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। जी क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहूँ जी, मेरी लड़की को मार देता, मैं बार बार क्या कहूँ जी, मेरी हो जाएगी कोई सुनवाई बार बार कहने से? जी कब मौत हुई है? एतवार को हुई है मौत। क्या बात क्यों हुई? पहले भी लड़ाई करते थे दोनों लड़कियों के साथ, छोटी लड़की ने जहर खा लिया, बड़ी लड़की को दोनों दहेज के मारे तंग करते थे जी। छोटी लड़की को शनिवार को वहाँ भेज दिया गन्नौर के साइड कि तू घूम या दिए, माँ बेटा ने तीनों ने रल के इनको मेरी लड़की को मारा, बड़ी वाली कांता को तंग करते थे पहले जी। पंचायत फैसले से भेजी थी, महिला मंडल में दरख्वास्त दी, निसंग थाने में दरख्वास्त दी, पुलिस वाले के तौर से भेजे, तीन थे ये जबानती होकर लेके आए अपनी जिम्मेवारी पे, फिर भी मेरी लड़की को बहुत परेशान करते थे, मारे थे, माँ बेटे दहेज के मारे बहुत लड़ते। इसकी बहन अनु कहती थी इसको, कहते छोड़ दे नहीं तलाक दे दे, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, बिहार से ले आएंगे। और मैंने सामान के मारे बहुत मारते थे इसको, मोटरसाइकिल नहीं ले आई, तो कूलर पंखा नहीं लाई, कुछ भी नहीं लेके आई, बिस्तरे तक नहीं लेके आई, इसको बहुत परेशान, दोनों लड़के को मारते पीटते थे। मैं भी घर पे जाती थी, मेरे को अंदर नहीं बढ़ने देते थे कि गंदे घर की हैं तू, अनिल भी मारता था, कीमत भी उसकी, माँ भी बढ़ने नहीं देते थे। अनपढ़ हैं दोनों लड़के जी, बेकार हैं दोनों लड़के ये, मेरी लड़की 8-10 पढ़ रही है, दोनों लड़के एक 8 पढ़ रही, बड़ी वाली छोटी वाली 10 पढ़ रही है, अरे दोनों भाई अनपढ़ हैं जी। ऐसे सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी मरवा दी मेरी, फिर भी सरकार ने लड़की की, ये सरकार कैसी है जो न्याय भी नहीं दे सकती गरीब के लड़की को, ये पैसे वाले हैं सबको पागल कर रहे हैं, मार मार के मेरी लड़कियों को। अब सरकार कहाँ चली गई, अब सरकार मेरी सुनवाई नहीं करेगी, मेरे पे 4 लड़की हैं, मैं कहाँ से दहेज दूँ इतनी 4 लड़कियों को। जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इनको गिरफ्तार होना चाहिए, आज 3 दिन हो गए ऐसे ही फिर रहे हैं। क्या बात हुई थी? अब इनके घर के बच्चों की बात है, हम तो अपने घर पे हैं, हमको क्या मालूम। किन कारण से लड़की की डेथ हुई है? ये दहेज के बारे से हुई है। कहाँ मिली है लड़की की लाश? ये मिली है ये सिरसी नहर में मिली है। नहर में मिली है? हाँ जी। कौन सी नहर में मिली है? पक्के पुल वाली नहर में। पक्के पुल वाली नहर? हाँ जी। हाँ जी बताओ जी। हम दोनों बहनों को दहेज के लिए तंग किया करते थे, ये सारे परिवार वाले सास ससुर इसका आदमी में, ये सारे चारों पांचों मिलके हमें मारा करते थे। हमने कभी अपने माँ बाप को घर पर नहीं बताया कि तंग होंगे दुखी होंगे, गरीब थे ये, इसलिए कभी घर पर नहीं बताया, सहन करते रहे, ये हमें लगातार मारते रहे। और घर भी ऐसा है कि कोई मारे चिल्लाएंगे कोई आएगा भी नहीं, गुफा जैसा घर है। क्या बात क्या हुई थी? दहेज के लिए मारा करते थे। आप भी आपकी शादी वहीं पर हुई थी? हाँ। कब हुई थी? साथ में ही हुई थी दोनों की। आपके साथ क्या घटना हुई थी? दोनों बहनों को ही मारा करते थे दहेज के लिए। दहेज के लिए मारा करते थे? हाँ। तो आज आपने वहाँ पर नहीं जाते आप? मैं नहीं जाऊँगी। नहीं जाएंगे ना। तो आपको अपने घर पर आए हुए कितना समय हो गया? जब से मेरी बहन की डेथ हुई। अच्छा। बस उसी दिन से। क्या करते हैं आपके घर वाले? मिस्त्री का काम सीख रहा है, सीखा नहीं। अच्छा। तो दहेज के लिए आपको तंग करते हैं? हाँ।